अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ चिकन बर्रे की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके साथ हम बहुत ही लाजवाब ग्रेवी तैयार करेंगे जो क्रीमी होगी और शायद ही आपने किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खाई होगी। इतनी क्रीमी और टेस्टी ग्रेवी बनकर तैयार होगी और साथ में बर्रा जो बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलोग्राम चिकन लिया है, यानी कि 1 किलो चिकन लिया है, उसके बड़े पीसेस कटवा लिए हैं। अगर आपके पास नॉर्मल चिकन है तो उससे भी बन जाएगा, लेकिन अगर बड़े पीसेस लेते हैं तो उसके अंदर ज़रा खूबसूरती आती है और रेस्टोरेंट एकदम स्टाइल बनकर तैयार होता है। यहाँ हमने एक प्याज ले लिया, प्याज मैंने बड़े साइज़ की ली है, उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया था बारीक कट करके। अगर आपके पास बड़े साइज़ की नहीं है तो 2 प्याज आप मीडियम साइज़ की ले लें और उसको पानी की हेल्प से थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरीके का पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा, उसको साइड कर देते हैं। यहीं पर 1 मुट्ठी हरा धनिया और 6 से 7 हरी मिर्च यहाँ पर ले लेंगे और दोनों को पेस्ट बनाना है, हमें इसका तैयार करना है। देखिए इस तरीके का पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसको ज़रूर हम शामिल करेंगे। यहीं पर हम दही ले लेंगे 1/2 कप। मैंने यहाँ पतली दही ली है, अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखिएगा। 1 टेबल स्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट। यहीं पर 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें कलर ज़रा अच्छा आ जाता है। और ये वही पेस्ट है प्याज का जो इसमें हमने पीसा था पानी के साथ, उसको ऐड कर देंगे सारा का सारा इसमें। और यहीं से 3 से 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला तैयार किया था हरे धनिया और हरी मिर्च का, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब देखिए अब इसमें हम चिकन के पीसेस को ऐड कर देंगे सारे के सारे, और इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप कम से कम 1 घंटा ज़रूर इसको ढककर रखें, और अगर आप इसमें ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रखें, इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे उतना ही इसका टेस्ट इन्हेंस होगा, उतना ही टेस्ट बढ़ेगा। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे तेल और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और स्लो फ्लेम रखेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए, क्योंकि जो मैरिनेट करते हैं चिकन उसमें ही गल जाता है, 50% तो उसमें गल जाता है, 50% जब हम इसमें फ्राई करते हैं तो गल जाता है पूरा। तो अच्छे से इसको लो फ्लेम पर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे पलट पलट के। तो देखिए दोनों साइड से हमारा चिकन कम्प्लीटली फ्राई हो चुका है, और इसको बाहर निकाल लेते हैं। इतना इसको लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो हाई फ्लेम पर क्या होगा कि जल्दी से इसमें मार्क्स आ जाएंगे, ऊपर की तरफ कलर आ जाएगा और आपका चिकन अच्छे से गल नहीं पाएगा, क्योंकि हमें इसको किसी ग्रेवी के साथ पकाना नहीं है, क्योंकि हमें इसको सारा का सारा जितना भी हमें पकाना है वो इसी टाइम इसी पॉइंट पर पकाना है। और अब इसको हम एक अच्छा सा फ्लेवर दे देते हैं, जो तंदूरी फ्लेवर होता है बर्रा में, वो फ्लेवर हम इसमें देंगे जो इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा, और इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप लोगों को बेहद ही पसंद आएगा। इसको साइड कर लेते हैं, अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसमें तेल ऐड कर देंगे 1/2 कप और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे बटर, बटर से टेस्ट अच्छा हो जाता है, और जो भी मैरिनेशन का मसाला था वो बचा हुआ था हमने फेंका नहीं था उसको, और इसको इसमें ऐड कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा मसाला हम इसमें तैयार नहीं करेंगे, जो मैरिनेट किया था हमने चिकन को उसमें जो मसाला बचा था वही हमने इस मसाले को ऐड कर दिया। और यहीं पर जो हमारे पास हरी मिर्च का और हरी धनिया का पेस्ट था वो भी ऐड कर देंगे इसमें।
सारा का सारा ऐड कर देंगे उसमें जितना भी मसाला था, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाएंगे, वो सब कुछ इसमें मिर्च वगैरह सब बराबर हो जाएगी। थोड़ा सा इसको भुनने देते हैं, कच्चापन इसका निकलने देते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे अभी लगातार, ताकि हमारा कोई भी मसाला जले नहीं, और इसको अच्छे से चला लेंगे। मसाला बहुत अच्छे से भुनना होना चाहिए, जब ही हमारा ग्रेवी का टेस्ट अच्छा होगा। अब इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, मैंने यहाँ अमूल की ली है, पूरा एक पैकेट आता है, पूरा इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ये देखिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जो भी हमने इसमें चीज़ें मिलाई हैं वो बराबर से मिक्स हो जाएं। और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, 1/2 टेबल स्पून। नमक का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आपका नमक तेज़ हो जाएगा इस वाली ग्रेवी में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे, और हमारा बर्रा कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। और जब हम क्रीम ऐड कर देते हैं किसी भी ग्रेवी में, तो उसको चलाते नहीं हैं, यानी कि गैस की फ्लेम को ऑन नहीं रखते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो हमारा बर्रा कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाता है, और बहुत ही लाजवाब तैयार होता है। बस गैस की फ्लेम को अब ऑन नहीं करेंगे, और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और इसको ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सर्व करेंगे, इसमें बोटियाँ जितनी भी हैं हम उसको लगा देंगे, उसके बाद से हम इसके ऊपर ग्रेवी इस पर अप्लाई करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को और आपके घर वालों को पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।